जय हिंद दोस्तों, जैसे कि मैं बताने वाला हूँ आपको, यू पी पुलिस की तरफ से बहुत ही बढ़िया अपडेट आ चुकी है। तो यू पी पुलिस का आपका जिनका जिनका भी एग्ज़ाम है उनका एडमिट कार्ड आ चुका है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप यू पी पुलिस का एग्ज़ाम जिनका जिनका भी है उनका अपना अपना एडमिट कार्ड कैसे निकालेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आपको लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश यू पी पुलिस कॉन्स्टेबल 2023, जो आपका 2023 में पेपर होने वाला था, जो पेपर लीक होने के कारण आपका पेपर कैंसिल हो गया। वो आपका एग्ज़ाम जो है 2024 में कंडक्ट कराया जा रहा है। अरे दोस्तों, बात कर लेते हैं आपका एडमिट कार्ड आप कैसे निकालिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, इसका एप्लीकेशन फ़ी था आपका 400 रुपया, जो था ओबीसी और जनरल का, SC ST का भी 400 था इसमें। यहाँ पर इसके बारे में बात करें तो आपका एज जो 18 से 25 रखा गया था, और फीमेल के लिए आपका 18 से 28 रखा गया था। तो दोस्तों यहाँ पे पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं, तो आपका पोस्ट था आपका टोटल 60,244 पोस्ट था आपका टोटल। तो अगर दोस्तों बात कर लेते हैं आपका एडमिट कार्ड कैसे निकालिएगा। हाइट के बारे में बात कर लेते हैं, आपका 1.68 हाइट था, अगर आप स्टेट से बिलोंग करते तो आपका 1.60 हाइट है। आप अगर फीमेल है तो आपका जनरल है या OBC है या SC है तो आपका 1.52 हाइट है। अगर आप ST हैं तो आपका फीमेल है तो 1.47 सेंटीमीटर आपका हाइट नापा जाएगा। तो यहाँ पर चेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं, तो चेस्ट आपका 79 से 84 नापा जाएगा। अगर आप मेल ST हैं तो आपका 77 से 82 नापा जाएगा, और अगर आप फीमेल है तो आपका यहाँ पर चेस्ट नहीं नापा जाएगा। रनिंग के बारे में बात कर लेते हैं, आपका रनिंग जो है 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में मारना पड़ेगा आपको अगर मेल है तो। फीमेल है तो आपका रनिंग मारना 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में आपको मारना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों बात कर लेते हैं, मेरे समय के भाई अपना एडमिट कार्ड कैसे निकालिएगा। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है चेक एग्जाम सिटी, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऐसा साइट ओपन हो गया जाएगा आपका, ऐसा साइट ओपन हो गया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ आपका जो है पंजीकरण संख्या अपना डाल दें, रजिस्ट्रेशन नंबर आपका, रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दें अपना अपना जिनका भी है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद आप जाएंगे यहाँ पर है डेट ऑफ बर्थ, दो नंबर में आपका है जो डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल दें अपना, आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ हो। जैसे कि मेरा डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर 2/2/1999 या 1998 जो भी हो आपका अपना डाल दें। उसके बाद यहाँ पर जो सिंगिंग पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर सिंगिंग पे क्लिक करने के बाद अपना यहाँ पर दिखा दे आपका वेलकम टू, आपका जो भी है नाम दिखा देगा वहाँ पे। वहाँ पर लिखा है डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन स्लिप, वहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपका एडमिट कार्ड निकल के आ जाएगा। ऐसे देखिए, जैसे कि आपको मेरा निकल के आ गया, ऐसे नाम हम सब कुछ आपका दिखाएगा, अपना अपना नाम रोल नंबर सब कुछ मिला लें, और एग्ज़ाम सिटी देख लें आपका कौन से एग्ज़ाम सिटी में आपका एग्ज़ाम पड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।